चलो भाई, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे तुम लोग। तो ऑब्वियस क्या था, बढ़िया होंगे यानी तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया कट रही होगी। तो भाई, मैं तुम लोग के लिए नया वीडियो को टॉपिक लेके आ चुका हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया वीडियो को टॉपिक है, तुम्हें पसंद भी आएगा। तो भाई, बिना वक्त और समय का भाई आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप जी फोर्स नाउ में जो आपके ख्याल आते हैं कि जी फोर्स नाउ में पहले तो आप अपने लेटेंसी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और जो आइडियाज़ लगते हैं कि कई टेक्नोलॉजीज़ भी हैं एनवीडिया ने जो बनाई हैं कि जो लेटेंसी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए काम करती हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा सा बट लगा हुआ है, और उस बट का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों। ठीक है भाई, तो उसे ज़रा ध्यान से सुनना और दिमाग खोल लेना उसे समझने से पहले थोड़ा सा अपना, ताकि तुम्हें सही से समझ आए चीज़ें कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या समझ आना चाहिए तुम्हें बेसिकली। तो भाई, सबसे पहले बता दूँ मैं तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में तुम मुझसे पूछते हो कि ये गेम कौन सा है। तो भाई, गेम का नाम है रिमांडेंट, याद रखना, भूलना मत रिमांडेंट, ठीक है? और भाई, अगर गलत प्रोनाउंसिएट किया हो तो कोसना मत इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो बेसिकली आज की वीडियो थी एनवीडिया रिफ्लेक्स के बारे में। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ एनवीडिया रिफ्लेक्स क्या होता है, क्या चीज़ है। तो उससे पहले तुम्हें जानना चाहिए कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव गेम में क्या सिनेरियो रहता है, तुम्हें तभी एनवीडिया रिफ्लेक्स सही से समझ आएगा, ठीक है? स्किप कर करके मत देखना, पहले बता रहा हूँ। अगर तुम कहीं से कुछ भी भूल गए तो मेरी गलती नहीं होगी, तुम खुद जिम्मेदार हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते भाई। देखो भाई, जब तुम कोई कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो तो बेसिकली ई स्पोर्ट, पहले तो ये जान लो, ई स्पोर्ट एक सबसे महंगा स्पोर्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा जाता है तुम्हारा धड़ाधड़, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैसा जाना है तुम्हारा, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे तुम्हारी पहनने की शर्ट से लेकर तुम्हारा स्पॉन्सर होने वाला ब्रांड हो, सबसे महंगा होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं ई स्पोर्ट्स में। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है? तो जो तुम इक्विपमेंट यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली बात है वो भी तुम महंगे ही इस्तेमाल करोगे। अगर तुम महंगे अच्छा और ताकतवर हार्डवेयर इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो तुम किसी कॉम्पिटिटिव मैच में कब मारे गए, किसने मारा, कैसे मरे, कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हारी बस पेटी डल जाएगी। एज यू नो, तुमने जानते होंगे, तुमने कई कॉम्पिटिटिव गेम अगर खेले होंगे, कॉम्पिटिटिव क्या, अगर तुमने बेसिक क्लासिकल मैच भी खेले होंगे पबजी मोबाइल के, तो भी तुम जानते होंगे कि तुमने गोली चला देते हो, गोली सामने वाले को लग जाती है, गोली सामने वाले को लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा ढेर नहीं होता है। कैसे, हाउ, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब इसके पीछे चक्कर क्या, वो हुआ क्या है? मैंने तो गोली चला दी, उसे लग भी गई, उसने दिखा भी दिया, उसने खून छोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी जिंदा है, मैं मर गया, कैसे पॉसिबल है ये? मतलब कैसे, 40 के 40 मैगजीन घुस गई उसमें, लेकिन वो मरा नहीं, कैसे, हाउ? तो भाई, ये चीज़ चक्कर क्या रहता है ना, इसके पीछे सिनेरियो मैं समझाता हूँ तुम्हें। पबजी मोबाइल में तो भाई सारा डिस्प्ले और हर्ट्ज का गेम है, लेकिन अगर भर रही बात पीसी की ना, तो पीसी में सिर्फ डिस्प्ले काम नहीं करता है, तुम जानते हो ये चीज़ अच्छे से। पीसी में तुम्हारा हर एक कंपोनेंट अगर पावरफुल होगा तो ही तुम्हारा अच्छे से गेम चलेगा, लेटेंसी नहीं आएगी। और अगर तुम्हारा पावरफुल हार्डवेयर नहीं होगा तो भाई तुम जानते हो कि क्या हाल होगा, तुम्हारा गेम हैंग नहीं होगा या लैग नहीं होगा, तुम्हारे गेम में फ्रेम रेट कम निकलेंगे, और फ्रेम रेट कम निकलेंगे तो भाई तुम जान सकते हो कि क्या हिसाब रहता है। और भाई, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिकल पावर की जरूरत सिर्फ तुम्हें सिंगल प्लेयर में ज़रूरत पड़ती है, बाकी उसके बाद तो तुम्हारी, अगर तुम कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो तो तुम्हारा सीपीयू पावरफुल होना चाहिए, ठीक है? सीपीयू पावरफुल होगा तो ही तुम अच्छा खेल सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पावरफुल, सपोज एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने अपने पीसी में लगा रखा है RTX 3080। अब तुम जानते हो भाई RTX 3080 कितना पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, कितना पावरफुल GPU है, लेकिन अगर मैं उसके साथ लगा दूंगा Ryzen 5 3600, तो भाई वो उसे बॉटल लैग नहीं करेगा क्या वो? है नहीं, कहीं ना कहीं जाकर उसे बॉटल लैग करेगा ना, जब भाई तुम्हारा GPU इतना कैपेबल है कि इतनी पावर दे सके CPU को कि वो भकाभक FPS निकाले, तो CPU निकाल नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है दिक्कत कहाँ है, CPU की है, तो कम FPS दिखाएगा सामने वाला। अगर तुमसे ज़्यादा फ्रेम रेट पर खेल रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका बंदा तुम्हारे सामने से कब गुजर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? अगर वो सामने से गुजर गया और तुमने तुम्हारी पेटी डाल दिया, तुम्हें मार दिया, तो वो चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं देगी कि तुम कब मरे, वो बस तुम्हें ये दिखाई देगी कि तुम्हारी डेथ हो गई है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो तुम मारे जा चुके हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो अभी भी जिंदा हो। वो तुम्हें क्योंकि डिले, डिस्प्ले में बहुत बड़ा डिले दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नहीं, कोई कुछ माइनर सेकंड्स का डिले होता है, लेकिन वो माइनर से सेकंड में ही तुम्हारे गेम के करियर का डिसीजन हो जाता है कि आगे बढ़ेगा कि यहीं मर जाएगा। ये तुम्हारा प्लेयर वही डिसाइड कर लेता है, प्लेयर का डिसीजन वही ले लिया जाता है कि भाई पेटी डलनी है कि जिंदा रहना है, ठीक है? तो इस चीज़ का दिमाग में डाल के रखो कि जितना ताकतवर हार्डवेयर होगा उतना ही अच्छा CPU होना चाहिए उसके लिए, ताकि वो उससे FPS भकाभक निकाल सके। मतलब अगर मैं 3080 लगा रखा है तो एटलीस्ट मुझे 5800X चाहिए, तो उससे FPS क्या पूरी पावर खींच सके, जो GPU की अच्छी तरह उसे निचोड़ ले, उसका दम निकाले, मतलब पूरा पावर ले बेसिकली। और जब तुम्हारे पास एक अच्छा CPU, एक अच्छा GPU है,
तो उसके बाद भी तुम्हें डिले नज़र आ रहा है तो भाई सिंपल सी प्रॉब्लम है तुम्हारा माउस और कीबोर्ड में, क्योंकि वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सीपीयू तक नहीं पहुंचा पा रहे टाइम पे, इसलिए उन्हें डिले आ रहा है सीपीयू पर। जब इन्फॉर्मेशन डिले लेट पहुंच रहा है तो बाद में प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि तुम जान अब फॉर एग्जांपल भाई तुमने सीपीयू और जीपीयू लगा रखे इतने तकड़े तकड़े और माउस यूज़ कर रहे हो तुम्हें 150 रुपये वाला माउस, और कीबोर्ड में लगा रखा है तुमने वो 100 रुपये वाला कीबोर्ड जो आते हैं 100-150 में कीबोर्ड आते हैं सस्ते सस्ते से, क्योंकि भाई तुम्हें तो सिर्फ हार्डवेयर अच्छा चाहिए ना, हार्डवेयर में भाई वो गेमिंग माउस और कीबोर्ड भी आते हैं ठीक है। जब ये सारी चीज़ें परफेक्ट बैठती है ना तब जाके वो भैया काम करती है प्रॉपरली, ई स्पोर्ट में तुम जाने के लिए रेडी होते हो ठीक है। अब तुम सिनेरियो थोड़ा सा समझ गए होंगे कि ई स्पोर्ट में जाने के लिए किस 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 हार्डवेयर की कैपेबिलिटी चाहिए होती है, अगर पीसी के ई स्पोर्ट की बात कर रहे हो तो ठीक है। अगर जब तुम्हारे पास इतना सब है तो तुम उसके कैपेबल हो तो तुम सामने वाली से बराबरी कर सकते हो। प्लस इसमें एक चीज़ भूल ही गया, तुम्हारा मॉनिटर अगर 60 FPS के कैपेबल है तो भाई तुम 60 FPS पे खेल लोगे, तुम्हारा हार्डवेयर कितना ही अच्छा हो तुम्हारा सीपीयू उससे 60 FPS निकाल रहा है, तुम्हारा सीपीयू निकाल उससे ज़्यादा रहा है, बल्कि तुम्हारा सीपीयू 300-400 FPS निकाल रहा है, लेकिन तुम्हारी डिस्प्ले सिर्फ उतनी कैपेबल है कि वो 7 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से तुम्हारे डिस्प्ले पर दिखा सके, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड दिखा सकती है, मतलब सिर्फ 60 FPS दिखाई देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, उससे ज़्यादा वो दिखाने की कैपेबिलिटी रखता ही नहीं, क्योंकि मॉनिटर की उतनी औकात ही नहीं है कि वो उससे ज़्यादा दिखा सके। अब कई लोग होते हैं झोलझाल करने वाले, मतलब ओवरक्लॉक कर लेते हैं मॉनिटर को भी, पर हर कोई ओवरक्लॉकर थोड़ी ना होता है यार, कोई ओवरक्लॉक कर ले, बाकी ओवरक्लॉक करते हैं तो तुम्हें रेजोल्यूशन गिराना पड़ जाता है कई बार, तो ओवरक्लॉकिंग भी कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है इन सब चीज़ों का। इससे बेहतर है कि तुम एक पावरफुल मॉनिटर लो, मॉनिटर मतलब 144Hz से एटलीस्ट ऊपर का ही लो, नीचे का लेने का कुछ फ़ायदा नहीं रहता। अगर तुम और हाँ एक चीज़ बता दो, अगर तुम्हें भाई चाहते हो कि मैं पीसी हार्डवेयर के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन सा हार्डवेयर लेना चाहिए कौन कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो मैं वो भी बना दूँगा, कमेंट करना बस, मुझे 2-3 कमेंट की ज़रूरत है मैं बना दूँगा वीडियो, क्योंकि ऑडियंस इतनी ज़्यादा कमेंट करती है मेरी एज यू नो है नहीं। तो ये बात करते हैं बेसिकली एनवीडिया रिफ्लेक्स कैसे काम करता है। जब भाई तुम्हारे पास हार्डवेयर अच्छा है सीपीयू अच्छा है लेकिन बाकी पेरिफेरल्स ख़राब है ठीक है, तो तब काम करेगा तुम्हारा एनवीडिया रिफ्लेक्स कैसे, क्योंकि तब जो एनवीडिया रिफ्लेक्स है ना पहले तो तुम्हारा मॉनिटर सपोर्ट करना चाहिए। एनवीडिया रिफ्लेक्स है ना लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ ही काम करता है, पुराने हार्डवेयर के साथ काम नहीं करता है। एनवीडिया रिफ्लेक्स के लिए जो तुम्हारे पास मॉनिटर होगा ना वो जी सिंक जो होती है उसे सपोर्ट करना चाहिए। जी सिंक अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा मैं, उसे जबान लड़खड़ा रही है पता नहीं कैसे। जी सिंक जो होती है ना जो मॉनिटर पर लिखा रहता है नीचे कोपचे में, जी सिंक सपोर्टेड या फ्री सिंक सपोर्टेड AMD का जो आता है, इन दोनों चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके तुम्हारा काम बनेगा। एनवीडिया रिफ्लेक्स जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम लोग सिस्टम पे पहले से ही खेल रहे हो और डिले वगैरह तुम्हारे सस्ते सस्ते माउस की वजह से आएगा, तो भाई ये चीज़ कैसे काम करती है। एनवीडिया रिफ्लेक्स हो ना जो तुम्हारा GPU CPU के पास डेटा फेंकता है जल्दी जल्दी, जिससे वो FPS निकाले, उल्टा बोल दिया, CPU GPU के पास जो डेटा फेंकता है जल्दी जल्दी कि भाई ले 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 जल्दी जल्दी से रेंडर कर, तो भाई वो कितने ज़्यादा फ्रेम्स निकाल पाता है, वो कितने ज़्यादा फ्रेम्स देता है, उसे 60 फ्रेम्स देता है नॉर्मल में 60 FPS वाले को, जिसका 360Hz का मॉनिटर होता है उसे 360 FPS देता है कि तू इतने निकाल है नहीं। तो वो जो उसमें होता है कि जब GPU थोड़ा सा डाउनग्रेड में चलता है, क्योंकि मॉनिटर तो 60 ही ले रहा है ना, मॉनिटर तो 60 FPS ले रहा है, अब वो जो डिले होता है उसे कम करने के लिए वो क्या करता है ना, CPU GPU जो होता है हमारा बहुत धीरे धीरे काम करता है। वो GPU कैसे काम करता है, जो डेटा है ना वो लाइन में लगाता चलता है कि भाई इसके बाद ये लूँगा मैं, इसके बाद ये लूँगा, इसके बाद ये लूँगा, इसके बाद इतना डेटा एक एक करके दो तीन करके डेटा को रेंडर करता है वो, तो उस हिसाब से 60 FPS ही तुम्हारी डिस्प्ले पे दिखता है, क्योंकि वो 60 FPS ही रेंडर करके तुम्हें देता है। हालांकि कैपेबिलिटी है उसमें ज़्यादा देने की, लेकिन वो देगा 60 क्योंकि मॉनिटर तुम्हारा 60 सपोर्ट कर रहा है ठीक है। अब ये चीज़ तुम देख सकते हो FPS ज़्यादा निकलते हैं, FPS ज़्यादा कैसे निकलते हैं, तुम्हारे GPU और CPU की मदद से ही निकलते हैं ऑब्वियसली, तभी FPS ज़्यादा निकलेंगे जब तुम्हारा इतना ही कैपेबल होगा कि इतना संभाल सके। तो जब तुम NVIDIA रिफ्लेक्स ऑन कर देते हो ना तो वो जो चेक टाइम होता है, मतलब जो वेटिंग टाइम होता है ना कि इतने फ्रेम रेंडर होंगे तो इसके बाद, कि वो कहता है भाई अब बस तू इन्हें धड़ाधड़ काम कर, मुझे रुकना नहीं है बिल्कुल भी, तो फका धका धक काम कर, जितना हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना काम निकाल, जितने फ्रेम रेट हो सके उतने दे, जितना तेरे अंदर दम है सब लगा दे, वो ये चीज़ बताता है ठीक है। जब वो चेक टाइम ख़त्म हो गया, वो डिले चला गया, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा GPU और CPU का पूरा पावर पूरा रिसोर्स इस्तेमाल होगा है नहीं। तो भाई NVIDIA रिफ्लेक्स ऑन करने के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन वो काम कैसे करेगा, NVIDIA रिफ्लेक्स सिर्फ तुम तभी काम करेगा जब तुम्हारा मॉनिटर जी सिंक और फ्री सिंक ये दोनों सपोर्ट करते होंगे। जी सिंक NVIDIA के लिए होता है और फ्री सिंक AMD वालों के लिए होता है, ये ध्यान रखना, दोनों का काम एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है लगभग ठीक है। और तुम्हारा माउस ना
इतना डिले तब नहीं दिखाएगा, सिर्फ तुम्हारे माउस कीबोर्ड इतना डिले तब नहीं दिखाएंगे जब तुम्हारा माउस और कीबोर्ड जी सिंक सपोर्ट करता होगा ना, जो मॉनिटर जी सिंक या फ्री सिंक जो मॉनिटर सपोर्ट करता होगा उस मॉनिटर के पीछे घुसेंगे। तुम्हारा मतलब तुम्हारा कीबोर्ड माउस जो अभी सीपीयू में लगते हैं ना, वो सीपीयू में ना लग के मॉनिटर में लगेंगे पीछे से, तब वो जी सिंक को सपोर्ट करेंगे सही से, जी सिंक और फ्री सिंक जो भी है तभी उसके साथ कंपैटिबल होंगे। अदरवाइज़ तुम ऑन कर भी दोगे तो भी तुमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम खुद देख पाओगे कि इसमें से 2% का भी फ़र्क नहीं आया है, तुम खुद जान सकोगे ये चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ तुम कभी तभी कर सकते हो जब तुम्हारा जी सिंक और फ्री सिंक काम करें। ये चीज़ सिर्फ उनके लिए काम करेगी ढंग से जो लोग पीसी है उनके पास डेडिकेटेड हार्डवेयर है ये काम करने के लिए, उनके पास ज़्यादा सही से काम करेगी। अब तुम सोच रहे हो कि मैं जी फोर्स नाव में भी ऑन कर लूँगा इससे मेरा डिले कम हो जाएगा, तो भाई जी फोर्स नाव में थोड़ा केस पलट जाता है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूँ जी फोर्स नाव में केस कैसे पलट रहा है। जी फोर्स नाव में पहले तो वो हमारे पिताजी का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। एनवीडिया हमारे सगी नई कंपनी नहीं है जो उसने फ्री में ये निकाला है, ठीक है। जब उसका बेटा प्रोग्राम ओवर हो जाएगा तो वो सारी सब्सक्रिप्शन वगैरह सब पेड कर देंगे, तो फिर हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा जैसे दर दर भटकते थे कि ये ऐप फ्री इसका क्रैक मिल जाए या उसका क्रैक मिल जाए, वो हमें फिर से वही काम शुरू करना पड़ेगा। तो अब मैं नहीं चाहता कि जल्दी से उनका बेटा टेस्टिंग ओवर हो, क्योंकि मुझे तो कुछ टाइम पहले पता चला, मैंने तो कुछ खास फ़ायदा भी नहीं उठाया। ऑब्वियसली यार तुम भी उठाओ जितना ज़्यादा हो सके, है नहीं? तो तुम एनवीडिया रिफ्लेक्स को कैसे ऑन करोगे? एनवीडिया रिफ्लेक्स का चक्कर ही अलग है, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है वो यूएस के या कहीं और कॉन्टिनेंट में कोई और कंप्यूटर है जिसे तुम अपने कंप्यूटर से रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ ज़रा ध्यान से सोचो, जिस चीज़ को तुम रिमोट से एक्सेस कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली डिले जाएगा, क्योंकि तुम कनेक्ट भले ही इंटरनेट से हो पर लेटेंसी तो है ना, एक लेटेंसी तो सामने आ रही है ना, उसे कहते हैं पिंग MS। और जब पिंग तुम्हारा हाई जा रहा है तो भाई तुम ऑब्वियसली बात है तुम्हें खुद देखना चाहिए तुम कैसे तुम अपना डिले कम करोगे। डिले कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ये जुगाड़ आता है जो मैंने बताया था तुम्हें पुरानी पिछली वीडियो में कि भाई VPN को डिसकनेक्ट कर दो, गेम लॉन्च हो जाने के बाद तुम्हारा क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, पिंग भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, पहले कंपैरिजन पिंग बहुत कम हो जाएगा, लैग वगैरह नहीं आएगा जितनी क्लैरिटी में मैं गेम खेल रहा हूँ सामने। सिंगल प्लेयर गेम तुम्हारे बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन यहाँ कॉम्पिटिटिव की बात आ जाती है ना भाई, मैंने CS:GO ट्राई किया है, सही में हालत बेकार हो जाती है हमारी, बहुत बुरी हालत रहती है इस कॉम्पिटिटिव गेम में जब तुम जी फोर्स नाव में खेलते हो, क्योंकि जी फोर्स नाव में तुम कॉम्पिटिटिव गेम खेल ही नहीं सकते, क्योंकि भाई तुम्हारा लगभग 1.5 सेकेंड का डिले आता है। तुम्हारा कितना ही परफेक्ट माउस हो, कितना ही परफेक्ट गेमिंग माउस हो, कितना ही परफेक्ट गेमिंग कीबोर्ड हो, तुम्हारा 1.5 सेकेंड का डिले आता है। तुम अगर उसमें क्या कहते हैं NVIDIA रिफ्लेक्स को ऑन कर भी देते हो ना, तुम सोचोगे कि भाई जी फोर्स नाव का हार्डवेयर कैपेबिलिटी क्या है, ये तुम्हें जानना होगा। तो भाई हार्डवेयर कैपेबिलिटी वही है जी फोर्स नाव जो मैं जो क्या नाम है टेस्ला T10 या T40 ऐसे कुछ करके GPU लगा हुआ है, वो 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, RTX सपोर्ट करता है वो, ठीक है। RTX का फीचर तुम्हें उस GPU का तभी तुम इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारा प्रीमियम मेंबरशिप चल रहा होगा जी फोर्स नाव के साथ, तुम उसे प्रीमियम पैसा दे रहे होगे तो वो तुम्हें RTX इस्तेमाल करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। ये चीज़ याद होगी तुम्हें, तुमने अगर मेंबरशिप फ्री वाली ली होगी तो बगल में प्रीमियम का ऑप्शन होगा तभी तुम RTX ऑन कर सकते, नहीं कर सकते वरना। तो भाई ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और वो पूरी कैपेबिलिटी को यूज़ करने नहीं देता है, सिर्फ ग्राफिकल गेम ही उनकी कैपेबिलिटी निकाल पाते हैं। लगभग वॉच डॉग 2 खेला है मैंने, बहुत ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है, जितने भी मेरे पास हैं उन सब में सबसे ज़्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग है वो, और लगभग 4.5 GB का अराउंड उसकी ग्राफिक्स मेमोरी खाता है, 16 GB में से 5 GB खा रहा है, तो अभी भी आधे से ज़्यादा तो खाली पड़ी है वो। उसका CPU भी स्ट्रांग है, लेकिन वो NVIDIA रिफ्लेक्स तुम ऑन कर भी दोगे ना तो उसका फ़ायदा सिर्फ तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने सस्ते से कीबोर्ड और माउस लेके जाओगे, और वहाँ जो रिमोट में जो कंप्यूटर को तुम एक्सेस कर रहे हो उस कंप्यूटर के बिल्कुल जस्ट बगल में बैठ के अपने कीबोर्ड माउस घुसा दोगे और तब खेलोगे, तो तुम्हारा NVIDIA रिफ्लेक्स काम करेगा, अदरवाइज तुम्हारा काम नहीं करेगा। उसमें भी तब काम करेगा जब तुम्हें जी सिंक सपोर्टेड मॉनिटर लगाओगे। अगर तुम्हें इतनी लंबी गेम जो मैंने ज्ञान बांटा है कुछ भी समझ नहीं आया तो बस इतनी सी बात याद कर लो कि जी फोर्स नाव में NVIDIA रिफ्लेक्स का कोई काम नहीं है, वो ऑन कर भी दोगे तो भी तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अगर तुम्हें समझ आया होगा तो, है नहीं? मेरे ख्याल से आया होगा, मोस्टली नहीं आया होगा, या आया ना आया कमेंट सेक्शन है जिंदाबाद, मुझसे पूछ लेना मैं बता दूंगा। तुम बस इतना याद रखो कि भाई जी फोर्स नाव में NVIDIA रिफ्लेक्स या फिर कोई भी जो अदर NVIDIA शेडर टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं
वो सिर्फ उनके लिए क्या उनके यूज़ के लायक हैं जो लोग गेम को परचेज करते हैं, ना सिर्फ गेम को परचेज करते हैं बल्कि उनके पास एनवीडिया का हार्डवेयर है तब उसे इस्तेमाल करते हैं, तब उनका काम चलता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। जिनके पास एनवीडिया का हार्डवेयर नहीं है ना, वो कितना भी जुगाड़ तुगाड़ लगा ले, एनवीडिया रिफ्लेक्स कभी भी पूरी पावर पर चलेगा ही नहीं, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाएगा ही नहीं। अगर जुगाड़ तुगाड़ लगा के कहा चालू कर भी लेते हैं एएमडी वगैरह पे, वैसे उन्हें ज़रूरत नहीं, फ्रीसिंग का आता है उस पर, लेकिन फिर भी चुल होती है कुछ लोगों को, वो भी मिटानी होती है, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वो मिटी जाती है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी। और इंडिया जुगाड़ तुगाड़ करने में बहुत आगे है। तो वीडियो बढ़िया लगा तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू। और अगर कुछ भी पल्ले पड़ाओ तो लाइक के बटन दबा देना, और नहीं भी पढ़ाओ तो भी दबा देना यार, थोड़ा सा इंगेजमेंट ही बढ़ जाएगा, है ना। ये वीडियो बनाने में एट दी एंड 15.5 मिनट लगे हैं, और तैयार करने में मुझे लगभग 3-4 घंटे, न जाने कितने लगे, रेंडर होने में से कितना समय खाएगा, ये एडिटिंग में कितना खाएगा पता नहीं। खैर, मिलते हैं, बाय, टाटा, सी यू।